हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो और आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है, तो आपके मन में एक डाउट ज़रूर आया होगा कि अभी कम समय में आप क्या पढ़ें। आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल परेशान हो गए होंगे कि अभी इतना कम टाइम बचा है, इसमें क्या पढ़ें ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा जाए। ओके, तो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को इसी बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाली हूँ कि आप कम समय में क्या क्या पढ़ लें ताकि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाए। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस का 5 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो अभी जैसा कि अभी कुछ बच्चों का एग्ज़ाम 5 को होगा, ठीक है, तो 5 से अगर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, अभी कुछ बच्चों का तो जल्दी होगा, लेकिन अगर जिनका 12 नवंबर तक है तो किसी के एग्ज़ाम के लिए तो 10-15 दिन का टाइम उनको मिल जा रहा है, तो आपको इस टाइम में क्या पढ़ना है। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इस टाइम में थोड़े से समय में आपको क्या पढ़ना है ताकि आप अपना एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से दे सकें। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल डीप रिविज़न करिए। आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, उसमें आपको बिल्कुल डीप रिविज़न करना है, क्योंकि आपने जो भी पुराना पढ़ा उसमें से हो सकता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें भूल चुके हों, इसलिए आपको बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत है डीप रिविज़न की। तो आप बिल्कुल से डीप रिविज़न कर लीजिए। ओके, और आप बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डीप रिविज़न करिए। आप सिलेबस के बाहर का बिल्कुल भी पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है उसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो सकता है कि उसमें से एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ना आए, तो आपको सिलेबस का डीप रिविज़न कर लेना है। एंड स्टूडेंट, अगर आपको डीप रिविज़न के बाद भी आपके पास कुछ टाइम बचता है, जो भी टाइम बचता है, उसमें मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल मॉक टेस्ट देते रहिए। तो अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको एग्ज़ाम वाला फील आता है कि हाँ, आप जैसे एग्ज़ाम में बैठे रहते हैं, आपको वही टाइम ड्यूरेशन मिलता है, उसमें जल्दी से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, तो आपके एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाती है, आपको एग्ज़ाम किस टाइप से देना है इसकी एक प्रैक्टिस हो जाती है। तो अगर आपके पास जितना भी टाइम बचता है तो आप उसमें मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको एक पता चल जाता है कि हाँ, आपके अंदर किस चीज़ की कमी है, तो आप उस कमी को सुधार सकते हैं, और आप उस कमी को सुधारने के बाद अपना एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से दे सकते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपने डीप रिविज़न भी कर लिया है, आपने मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर लिए हैं बिल्कुल अच्छे से, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो आप उन टॉपिक्स पे फोकस करिए जो आपके लिए हार्ड लगते हैं और वो आपको लगता है कि हाँ, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपको उसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होती है, तो आप उस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए। ओके, एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग थ्योरेटिकल स्टडी करिए, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जब आप थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं उसमें थोड़ा सा पढ़ने में आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल भी मत पढ़िए, आप थ्योरेटिकल से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एक ही चीज़ पढ़ पाते हैं, लेकिन उसमें सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रह जाता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग थ्योरेटिकल स्टडी करिए। ओके, एंड स्टूडेंट, लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जब भी आपका एग्ज़ाम है, जैसे कि आपका जिस भी डेट को एग्ज़ाम है उसके आप एक दिन पहले बिल्कुल पढ़ाई को स्टॉप कर दीजिए, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप उस दिन भी पढ़ने लगेंगे ना, तो बिल्कुल आपके माइंड खिचड़ी बन जाएगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और जो आपको आता भी रहेगा ना वो भी आप भूल जाएंगे बिल्कुल एकदम। अगर आपको जो चीज़ अच्छे तरीके से आएगी उसमें भी आपको डाउट आने लगेंगे और आप बिल्कुल एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे, और आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही बेकार जाने वाला है अगर ऐसा आप करते हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका जिस भी दिन एग्ज़ाम है उसके आप एक दिन पहले पढ़ाई को बिल्कुल बंद कर दीजिए, और आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, और बस ये सोचिए कि आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है। ओके, सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो स्टूडेंट, थैंक यू।